हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फ्रेंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बिगिनर्स के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, किस तरीके से हम बिगिनर्स से एडवांस तक का कोर्स सीख सकते हैं, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। शेयर मार्केट एक्चुअली क्या ना, दो भागों में डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं लर्निंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे शेयर मार्केट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दो पे डिपेंड करता है। व्हाट आर दे, ये चीजें क्या है, किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं प्रॉपर तरीके, इसी एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना वीडियो को। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इसी वीडियो के अंदर। एक और चीज, लाइक करो वीडियो को, आगे बढ़ो, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी ज्वाइन हो जाओ। सो गाइस, बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के लिए। तो गाइस, जब भी हम शेयर मार्केट में ना कोई शेयर परचेस करने की सोचते हैं, जब हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कोई बड़ी कंपनी में, कोई छोटी कंपनी में, किसी भी एक कंपनी के शेयर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या हमें वो शेयर परचेस करने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ स्टडीज जो उनके पीछे है, हमें बैकग्राउंड में जो रन करती है वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स, अबाउट दी सारी चीजें, अबाउट दी कंपनी, Why they are important, हम पर्टिकुलर टाइम में क्यों वो शेयर खरीदें, Why the time is important, ये सारी चीजें आती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो यार, टेक्निकल एनालिसिस ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। इसके लिए ना आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है कोई प्रोफेशनल्स की, कोई ऐसी चीजों की जहां पे आप जो है अच्छा खासा यहां पे ना, जहां से आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई ऐप, कोई वेबसाइट, एनीथिंग। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है कि आपने देखो भैया, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कोई शेयर जो है, ये तो पता लग गया कि इस कंपनी के आपको शेयर परचेस करने हैं, लेकिन वो जो शेयर है वो परचेस किस प्राइस में करने हैं, ये आपको डिफाइन करता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही आपको समझ आएगा कि व्हाट आर द परफेक्ट प्राइस जहां पे आप वो शेयर जो है परचेस कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो मार्केट के अंदर। आप ये जो चीजें हैं ये सारी टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। और अगर आपको ये चीजें नहीं पता कि किस तरीके से आप ये चीजें लर्न कर सकते हैं, तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में टिकट ऐप के बारे में। तो टिकट ऐप क्या है, इसके बारे में पूरी डिस्क्राइब करने वाला हूं मैं वीडियो। तो इसके लिए क्या ना, मैं चलता हूं अपने पीसी स्क्रीन पे और वहां पे आपको दिखाने वाला हूं सारी चीजें टिकट ऐप के बारे में, कि किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को यूज करके, यानी इस वेबसाइट को यूज करके काफी सारी चीजें शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपना ब्रेन और पैसा कमा सकते हैं। सो गाइज, आप हैं अभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे आप इंटरफेस देख पा रहे हैं टिकट ऐप का। तो ये जो इंटरफेस है आप भी देख सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे टिकट ऐप, तो आप ये इंटरफेस पे इंडायरेक्ट होंगे फर्स्ट लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं। तो आज इसकी इनडेप्थ स्टडी करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखना बहुत ज्यादा मस्ट है आप लोगों के लिए इन फ्यूचर, अगर आप सोच रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो यहां पे देखेंगे यार गाइज, कुछ बेसिक सा सिनेरियो आता है व्हेन आप जब ये वेबसाइट खोलते हो। यार ये जो इंटरफेस स्टार्टिंग वाला इंटरफेस है थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था, बट ठीक है, ओके ओके। उसके बाद आप अब इसके जो की फीचर्स हैं जो मेरा भी दिल जीत के ले गए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक फीचर तो मुझे इतना प्यारा लगा कि आज से पहले किसी भी वेबसाइट पे मैंने वो फीचर नहीं देखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनर की। तो यार स्क्रीनर क्या है, स्क्रीनर एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप स्कैन कर सकते हो सारा मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, यानी क्या प्राइजेज हैं, हर एक इनडेप्थ डिटेल्स आप ले सकते हो। एक तरीके से हम कह सकते हैं एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो बेसिस ऑन द स्टैटिक्स। अब बात करते हैं MMI। तो भैया ये जो फीचर है ना, इस फीचर ने तो दिल जीत लिया भाई। सिंपल सी और बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ कि मज़ा आ गया यार इस फीचर को देख के। ये जो फीचर है किसी और वेबसाइट पे मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये जो फीचर है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो यार सिंपल और आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँगा कि क्या होता है ना, जब भी कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचता है, या फिर जब भी कोई सोचता है कि मैं अपना पैसा डालूँ यहाँ पे, तो यार सबसे एक जो कॉमन सी चीज़ है ना दिमाग में आती है वो ये कि यार भैया मैं तो इस शेयर में, यानी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके शेयर परचेस कर रहा हूँ, लेकिन क्या बाकी सारे लोग भी यही कर रहे हैं, या फिर इसके जो शेयर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में? और वो जो मार्केट का सिनेरियो ना, ट्रस्ट मी, वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो यार ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है मार्केट मूड इंडेक्स, जहाँ पे आप एक्सट्रीम फियर, फियर ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड की बेसिस पे जज कर सकते हो मार्केट को। ये जो पैरामीटर्स आप देख रहे हो ना, ये पैरामीटर्स आप इनडेप्थ अच्छे से समझ लोगे जब आप वेबसाइट पे आओगे और
थोड़ा यूज़ करोगे ना वेबसाइट को, आपको समझ आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो यार यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, होल्डिंग एनालिसिस और न्यूज़ एंड इवेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जब आप इसमें जाते हो। अब आखिरी में बात करते हैं लर्निंग की। तो यार लर्निंग में आपको मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी बताया था कि अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस सीखना चाहते हो धीरे धीरे, तो यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स, और मतलब लाइक लर्न बेसिक से लेकर आप एडवांस तक इस पर्टिकुलर साइट के साथ जाके सीख सकते हो। अब बात करते हैं इनके प्लान्स की। तो भैया अब बात करते हैं टिकट ऐप के प्लान्स की, कि क्या क्या प्लान्स ये प्रोवाइड करता है। तो यार फिलहाल जो मैंने ये मेरे पास जो प्लान है यहाँ का, तो वो प्रो प्लान है, यानी मैंने प्रो जो प्लान है वो ले रखा है टिकट ऐप का। लेकिन आपको बता देता हूँ बेसिक प्लान भी ये प्रोवाइड करता है। देखिए टिकट ऐप बेसिक जो प्लान है वो फ्री है फॉर एवर, जहाँ पे आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 17 फिल्टर्स तक आप यूज़ कर सकते हो, 3 स्क्रीन आप मैक्सिमम यूज़ कर आप सेव कर सकते हो, और 3 कस्टम फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हो। एक्सपोर्ट प्रीमियम स्क्रीन और नो MMI का जो मेरा फेवरेट फीचर है MMI, वो इसमें नहीं मिलता है अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो। लेकिन अगर आप आते हो प्रो में तो आपको देना पड़ता है ₹118 पर मंथ, जो कि मुझे नहीं लगता है एक बड़ी अमाउंट है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है MMI का एक्सेस, और आपको मिल जाता है प्रीमियम आइडियाज, और आपको मिल जाता है स्प्रेडशीट्स, और आपको कस्टम फिल्टर्स ज़्यादा, यानी अनलिमिटेड कस्टम फिल्टर्स और अनलिमिटेड स्क्रीन और 130 से ज़्यादा फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। मेरे पास अभी टिकट ऐप का जो प्रो है मैं उसको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आगे जो है फर्दर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वेबसाइट। और जो कि मेरा जो काम है ना, मेरे को जो यूज़ करना था जो इसका मूड इंडिकेटर है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी थी कि रियल में जो ये दावा करते हैं इनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की है भी या नहीं, मुझे ये चीज़ चेक करनी थी। और जस्ट इसी वजह से मैंने एक सेकेंड में लॉग इन कर लेता हूँ। ओके तो मुझे इनकी जो परफॉर्मेंस चेक करनी थी, और इसी वजह से मैंने इनका जो प्रो प्लान 1 मंथ के लिए परचेस किया है ₹119 में, और देखते हैं क्या क्या जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं इनके प्रो प्लान में। तो यार देखिए भैया अब हम आ गए हैं हमारे अकाउंट में, और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा रहा है यू आर अ प्रो मेम्बर। ठीक है भैया, थैंक यू कि मैं प्रो मेम्बर हूँ। तो अब मेरे जो करंटली एक्टिवेटेड है वो प्रो पैक एक्टिवेटेड है। चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए मैं 29th मार्च को यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, और ये एक्सपायर हो जाएगा 29th जून को। ओके यानी मुझे सिर्फ एक ही दिन हुआ है इसको लिए हुए। ओके तो अब चलते हैं यार इसके फीचर्स के लिए। तो अभी देखेंगे, पहले मैं अपनी प्रोफाइल पे जाके दिखा देता हूँ। तो ये मेंबरशिप में हैं अभी हम, और अब चलते हैं टिकट ऐप पे। तो हम जाते हैं मार्केट मूड इंडेक्स पे, जो कि मुझे काफ़ी कूल फीचर लगा। ओके नो अबाउट द सेंटीमेंट्स ऑन द स्ट्रीट टुडे। तो अभी आज की बात करते हैं। तो MMI इज द एक्सट्रीम फियर जोन, हाई एक्सट्रीम फियर लेस देन 20 सजेस्ट अ गुड टाइम टू ओपन अ फ्रेश पोजिशन। देखिए यार क्यों ऐसा कह रहे हैं ये लोग, अब मैं बताता हूँ एक्सट्रीम फियर का मतलब क्या होता है गाइस। एक्सट्रीम फियर का मतलब होता है कि भैया लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, अभी कोई नए शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। द रीज़न इज़ कि अभी कोरोना का जो इफेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से सारा का सारा मार्केट, शेयर मार्केट और इकोनॉमी बहुत डाउन हो रखी है। तो मार्केट मूड इंडेक्स हमें क्या बता रहा है, मार्केट मूड इंडेक्स हमें बता रहा है कि भैया दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि अभी जो अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की, HDFC बैंक की, और अगर मैं बात करता हूँ ICCI की या हिंदुस्तान लीवर की, ये जो कंपनीज़ है ना, इनके शेयर अभी तक वर्स्ट कंडीशन में चल रहे हैं। मतलब अभी तक जब से ये कंपनी गई चालू हुई है ना, उस तक अभी तक इतना इनका गिरावट नहीं हुई थी शेयर्स में। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, 850 रुपीज़ का शेयर आ रखा है अभी, जो कि काफ़ी लाइक अपने पीक टाइम पे रहता था, हमेशा काफ़ी हाई प्राइजेस पे रहता था। तो यार मैं इसीलिए जो है मार्केट मूड इंडेक्स इसीलिए हेल्प करता है आप लोगों की। अगर आपको पता लग गया भैया कि ये सजेस्ट कर रहा है कि एवरेज आपको जो है अभी सही है, तो आपको कर लेना चाहिए। इसीलिए मेरा ये जो है यूज़ करने का, यहाँ पे ₹118 देने का मेरा जो इतना मूड नहीं था, लेकिन मैंने इसीलिए दिया था कि मुझे चेक करना था कि ये किस तरीके से जो काम करता है। तो यार उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे किस तरीके से इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं टिकट ऐप। और
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई ना तो लाइक कर दो यार वीडियो को, लाइक करके आगे बढ़ो और सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां ज्वाइन नहीं होते हो तो गाइस सीरियसली बहुत कुछ मिस करने वाले हो आप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।